हरे कृष्णा अध्याय चौथा श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सद्रसं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः काले नात्मानि विन्दति। इसका अर्थ, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसका तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान समान कुछ भी उद्दत और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ये हमें बता रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, माने हम कौन है, हम आत्मा है और भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, वो परम आत्मा है, परम पुरुषोत्तम भगवान है और हमारे स्वामी हैं, हमारा संबंध नित्य है। तो ये जब हम समझ जाते हैं, सेल्फ रियलाइज हो जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाती है, तो यही हर चीज़ का, हर समस्त योग का परिपक्व माने मैच्योर फ्रूट है। जो फल, गलित फल होता है वो तैयार होता है ना, खाने के लायक होता है। बाकी सब तो कच्चे होते हैं, वो आप खाए या ना खाए उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो ये फल खाएंगे तो इसकी मिठास आपके शरीर को पोषण देगी। वैसे ही ये दिव्य ज्ञान हमें पोषण देगा, हमारी आत्मा को तृप्त करेगा और अंततोगत्वा हमें भक्तिमय सेवा में लगाएगा। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सबसे शुद्ध और सबसे बेस्ट एक्सेलेंट नॉलेज है। इसके व्यतिरिक्त और जो भी नॉलेज हम लेते हैं वो व्यर्थ ही समय गवाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जो अज्ञान है वो क्या है? इट्स अ कॉज ऑफ बॉन्डेज, हमारे इसका बंधन का कारण है ये जो अज्ञान है। इसीलिए ज्ञान पे इतना जोर लगाया जाता है। ज्ञान भी वही, कौन सा? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, भगवान कृष्ण के बारे में जानना। और जो ये ज्ञान है ये मुक्ति है। ज्ञान माने इक्वल टू मुक्ति। और ये परिपक्व फल है भक्ति का। तो यहाँ पे जब ये, अब आप पूछोगे कि दिव्य ज्ञान लेने पे क्या होगा? दिव्य ज्ञान लेने पे सबसे बड़ा फायदा होगा, जो स्टार्टिंग में हम सुन रहे थे, है ना, जीव किस चीज़ पे ज़्यादा अमल करता है, किस चीज़ के लिए हर चीज़ पे निर्भर होता है, किस चीज़ के लिए? खुशी के लिए, है ना। ज़िंदगी में हम जो भी कुछ करते हैं संसार में, उन सब का केंद्र बिंदु क्या होता है? सुख होता है। चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी वस्तु के लिए हो, प्राणी के लिए हो, किसी भी, पता नहीं किस जानवर को पाल के रखते हैं खुशी पाने के लिए, उससे जब इंसान से नहीं मिलता तो जानवरों से लेने के लिए। बट इन शॉर्ट हर चीज़ हम खुशी ढूंढते हैं ना, कि कोई हमें खुशी दे, खुश करे हमें। तो ये तो सब टेम्पररी सुख है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में हमको सब समेट के वापस दूसरे रिएक्शन भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मगर जब दिव्य ज्ञान में हम स्थित रहेंगे, भगवान कृष्ण को हम जानेंगे, तो हम निरंतर खुश रहेंगे, नित्य खुश रहेंगे। हम अपने आप में शांति पाएंगे, जो आजकल भंग हो चुकी है ये शांति।
जो हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं ना, शांति शांति बोलते हैं, वो शांति और कहीं नहीं भगवान में ही हमें मिलेगी जब हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो नॉलेज है, ये जो वर्स है, श्लोक है भगवान का, ये भगवद गीता का लास्ट वर्ड है, ये चरम परिणति है जो श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि क्या ये ज्ञान और शांति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही मिल सकती है, कृष्ण भावनामृत में आके ही जीव हासिल कर सकता है, अन्य तो गत्वा किसी चीज़ में उसे नहीं मिलेगा। थोड़े दो चार मिनट के लिए खुशी मिल सकती है, मगर आनंद सुख का, निरंतर सुख का अनुभव वो कृष्ण के जब संपर्क में आएगा तभी ही उसे मिलेगा। यहाँ पे भगवान ने कालेन ये शब्द यूज किया है, इन कोर्स ऑफ टाइम है ना, क्या यथा समय, मतलब धीरे धीरे ये हो जाएगा मैच्योर, और फिर नहीं कि पहले ही जब हम त्याग करके सब चले जाए, छोड़ छाड़ के सन्यास बन जाए, ऐसे नहीं, हमें कार्य करते हुए ये सब करना है, माया से लड़ते हुए ये सब करना है और इस ज्ञान में फिक्स रहना है, तभी हम इन पापों से मुक्त हो जाएंगे, इस भौतिक संसार दुखमय संसार से मुक्त हो जाएंगे। यही सीक्रेट है, यही गुप्त का ये है, नॉलेज है इसका। इसीलिए भगवान यहाँ पे कालेन शब्द यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें एनकरेज करता है कि हम काम से, कार्य से, एक्शन से डिटैच हो जाए हमारे कर्म कार्य से, और इस नॉलेज में स्थित रहते हुए हमें कार्य करना है। मतलब जैसे हमने पहले अध्यायों में सुना था, तीसरे अध्याय में अगर आपको याद हो तो, निष्काम कर्म योग, तो ये तभी दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रज्वलित होगा जब हम निष्काम कर्म योग करेंगे। कैसे कार्य करना है, उसे रिनाउंस नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, वो कार्य करना है भगवान में स्थित होकर, इस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर, तभी ये दिव्य ज्ञान हमें क्या होगा, रिवील करेगा, हमें प्रकट करेगा कि ये क्या चीज़ है, भगवान हमारे क्या लगते हैं, हम उनके कौन हैं, और तब हम आनंद का अनुभव करेंगे पूर्णता से। तो अब एक कथा सुनते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे शुद्ध भक्त निरंतर श्री कृष्ण के इसमें रहते हैं, संबंध में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं, और निरंतर उस एटर्नल ब्लिस का अनुभव करते हैं, जो पढ़ के हम गदगद हो जाते हैं और उस नित्य लीला में शामिल होने का हमें भी मौका मिलता है। तो ये कथा है दोस्तों रूप गोस्वामी का। रूप गोस्वामी पाद जो है वो वृंदावन के फेमस षड गोस्वामी में से एक है और प्रमुख गोस्वामी है। ये सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं। छोटे भाई होते हुए भी इन्हें प्रमुख गोस्वामी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो गोलोक वृंदावन में, कृष्ण लोक में, ये रूपमंजरी से जाने जाते हैं। अब रूपमंजरी जो है वो ललिता सखी जो राधा रानी के बहुत करीब हैं, उनके इसमें सेवा में मदद करती है ललिता सखी को। तो जब रूपमंजरी को हम प्रार्थना करते हैं तो वो ललिता सखी को हमारे बारे में बताती है, और ललिता सखी राधा रानी को बताती है, और राधा रानी तो खुद भक्ति स्वरूपिणी है, वो स्वयं कृष्णा ही है। तो वो जब कृष्णा को रेकमेंड करती है कि ये भक्त मुझसे भी अच्छा भक्ति कर रहा है, मुझसे भी अच्छा सेवा कर रहा है, आप इसको अपना लो, तो भगवान कभी झुठला नहीं सकते राधा रानी की बात, तो वो तुरंत हमको अपना लेते हैं। तो रूप गोस्वामी का दोस्तों हमारे भक्ति इसमें बहुत बड़ा मान्य रखता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है उनका। तो हमें कभी भी उन्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए रूप गोस्वामी को। तो एक बार की बात थी, रूप गोस्वामी पाद जो है उन्हों, आप अगर वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में गए होंगे तो आपने उधर वहाँ उनका समाधि स्थल देखा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आखिर के जीवनों में वहीं पे भजन कुटीर लगा के भजन किए थे राधा दामोदर मंदिर में, जैसे श्रीला प्रभुपाद का भी हम देखते हैं वहाँ पे। तो एक बार की बात है, नंद गाँव की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे नंद ग्राम में
तेर कदम करके एक जगह आता है। तेर कदम का मतलब है जोर से चीखना, जोर से चिल्लाना। तेर का मतलब है जोर से चिल्लाना। तो कदम के वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़कर तेर लगाते थे, मतलब चिल्लाते थे जोर से, अपने आवाज़ देकर दोस्तों को और गैयाओं को इकट्ठा करते थे, बुलाते थे, बांसुरी बजाते थे। तो एक एक को नाम से वो बुलाते थे। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मगर भगवान करते थे ये। तो सब इकट्ठा हो जाते थे, 9 लाख गैया और उनके सब दोस्त मित्र सब कोई आ जाता था वहाँ पे। तो ये स्थल बहुत मुख्य भूमिका करती है। जब भक्त वृंदावन जाते हैं तो वो इधर दर्शन ज़रूर करते हैं तेर कदम पर। तो तेर कदम पर कई बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी ऐसी है कि रूप गोस्वामी अपनी लेखिका लिख रहे थे, उन्होंने काफ़ी किताबें काफ़ी पुस्तिका लिखी हुई है भक्ति के ऊपर, जो बहुत सुंदर है और हमें बताती है कि भक्ति कैसी करनी चाहिए और क्या कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो रिवील की हैं उन्होंने, बहुत कुछ है। तो ऐसे ही एक लेख वो लिख रहे थे। तो क्या हुआ कि उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उन्हें मिलने आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद ने सोचा कि अगर मेरे पास दूध, थोड़ा सा दूध और शक्कर और चावल होता तो मैं एक अच्छा सा स्वीट राइस बनाता मेरे भाई के लिए, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं और पूजनीय हैं, क्योंकि वैष्णव भी है, शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त हैं, तो मैं उनको प्लीज़ करना चाहता हूँ, ऐसे उनके मन में आया। तो अब मन की बात जो है वो तो भगवान सुन ही लेते हैं, तो शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, भगवान भी उनकी सेवा करने के लिए ललायित रहते हैं। तो मगर भक्त, शुद्ध भक्त कभी भगवान से सेवा नहीं लेते, वो हमेशा भगवान की सेवा करने के इच्छुक रहते हैं। मगर ऐसी इच्छा उनके मन में आई रूप गोस्वामी पाद के, तो उन्होंने ऐसी इच्छा करने पे वहाँ पे राधा रानी आई एक सुंदर बालिका के रूप में, और उनके मटके में थोड़ा सा क्या था, दूध था, चावल था और शक्कर था। तो उन्होंने कहा कि मैं पास के गांव में रहती हूँ स्वामी जी, ये आपके लिए मेरे माँ ने भेजा है, कृपया आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने पहले तो कहा नहीं नहीं मैं इसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो गोस्वामी थे। तो उन्होंने, जब राधा रानी ने बहुत विग्रह किया, आग्रह किया कि आपको लेना ही होगा, कृपया आप ले लीजिए, तो वो बहुत मोहित हो गया उनकी सुंदरता से, उस बालिका के, और उन्होंने ले लिया। लेने के बाद उन्होंने अच्छा सा एक स्वीट राइस बनाया, जो अभी भी वहाँ पे तेर कदम पर मिलता है प्रसाद के रूप में, और बिलीव मी दोस्तों, इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, ऐसा खीर आपने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा, इतना टेस्टी होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया बहुत अच्छा स्वीट राइस, और उनके जब भाई आए सनातन गोस्वामी पाद, तो उन्होंने वो खीर खा ली। जैसे ही खीर खाई, उन्होंने उनके शरीर में अष्ट विकार दिखने लगे, मतलब डिवाइन एक्सटसीज जाग उठे। वो कभी हंसते, कभी रोते, वो अनुभव करते भगवान की खुशी को, वो उस नित्य लीला में प्रवेश करने लगते और देखने लगते भगवान की सुंदर मुख का दर्शन करते। ऐसे बहुत सारे अनुभव होने लगे उनको, बहुत आनंद मिलने लगा उन्हें। तो उन्होंने तुरंत रूप गोस्वामी पाद को पूछा कि ये जो तुमने स्वीट राइस बनाया है मेरे लिए, ये तुमने कहाँ से इकट्ठा किया, सामान कहाँ से इकट्ठा किया, क्योंकि तुम तो विरक्त साधु हो, तुम्हें कहाँ से ये सब सामान मिला। तो उन्हें डाउट हुआ, तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि अभी एक थोड़े देर पहले एक सुंदर सी बालिका ने आके मुझे ये सब ये सामग्री दी। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, ये तुमने क्या किया, तुमने राधा रानी से सेवा लिया, वो और कोई नहीं, राधा रानी थी। तो रूप गोस्वामी को बहुत बुरा लगा कि राधा रानी थी, राधा रानी से मेरे सेवा ले ली। तो उनको मन ही मन बहुत दुख हुआ, और ये दुख दोस्तों भौतिक वाला दुख नहीं था, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दुख था। दुख मतलब सेपरेशन का, विप्रलंब बोलते हैं इसको। तो वो ये अनुभव करने लगे, इसमें बहुत बड़ा रस होता है। अभी आप सोचोगे कि किसी से दूर रहकर, किसी को चोट पहुंचाकर दुख होता है तो बहुत दर्द देता है, नहीं, जब आध्यात्मिक जो दुख होता है और सुख होता है वो एक ही होता है, और ये विप्रलंब वाला दुख था, जो वो इन सेपरेशन, भगवान से इन सेपरेशन में
दूरी के वजह से अनुभव कर रहे थे, उनको राधा रानी की याद आने लगी और वो मन ही मन दुखी हो गए। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा पाद को, रूप गोस्वामी पाद को, कि अभी से आगे से तुम कभी स्वीट राइस नहीं बनाओगे, क्योंकि राधा रानी को तकलीफ होगा यहाँ पे आने में, तो तुम उनसे कोई मदद मत लेना। मगर वो स्वीट राइस का जो बना हुआ था प्रसाद, वो तो दोनों ने भी अनुभव किया, खाया। तो इस कथा से आप जानिए दोस्तों कि भगवान की एक एक कण मात्र भी प्रसाद हमें मिल गया तो कितना आनंद देता है। तो निरंतर उनका संग हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा लेंगे तो कितना अनुभव करेंगे। इसीलिए हमेशा हर क्षण हमें उनके संग लेनी चाहिए भगवान की, और निरंतर जप मन ही मन या मुख से करते रहना चाहिए, या श्रवण, कानों से श्रवण तो एटलीस्ट करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।